दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, किसने घोला दिल्ली के हवा में जहर, कौन खेल रहा दिल्ली वालों की जिंदगी से, नेताओं को दिल्ली वालों की फिक्र या गद्दी प्यारी, आप सिर्फ आरोप थोप रही है या कुछ कर रही है। ठंड की दस्तक के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जानलेवा हो जाता है। चारों तरफ धुंध की मोटी चादर तन जाती है। दिल्ली और उसके आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। इस बार भी जब से ठंड ने दस्तक दी है, तब से दिल्ली वालों का प्रदूषण के कहर के कारण जीना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आज दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 दर्ज किया गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉल्यूशन की लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच के AQI को सुरक्षित माना जाता है। राजधानी में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे धुंध और घनी हो रही है, जिस पर गंदी और तुष्टिकरण की राजनीति भी की जा रही है। मानो किसी को भी दिल्ली वालों की जान की परवाह नहीं है, बस हर किसी को गद्दी प्यारी है। अब जब दिल्ली मौत के कगार पर खड़ी है, तब CM अरविंद केजरीवाल ने एयर क्वालिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रदूषण को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई। CM के एक्शन के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवाओं ने हॉटस्पॉट पर प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें भिकाजी कामा प्लेस की है। दिल्ली की विजिबिलिटी हद से ज्यादा कम हो गई है। लोगों को आसपास का दिखना भी बंद हो गया है। दृश्यों को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वाले कैसे इस जहरीली हवा में खुद को जीवित रखे हैं, पर लोग जहरीली हवा में जिंदा रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी जिंदा रहने के लिए तमाम तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई मास्क लगाकर रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल रहा है, तो कोई सुबह शाम गुड़ खाकर अपने फेफड़ों की सुरक्षा कर रहा है। दिल्ली में किस वक्त शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, मानो पता ही नहीं चल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब दर्ज किया गया है। दिल्ली के RK पुरम में AQI 466, ITO पर 402, लोधी रोड पर 388, सिरी फोर्ट पर 436 और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 447 और पटपटगंज पर 471 और न्यू मोती बाग पर 488 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां एक लंबे वक्त से जनता को क्लीन दिल्ली का सपना दिखाती आ रही हैं, पर आज तक किया कुछ भी नहीं, जिसका जीता जागता प्रमाण आज की काली हुई दिल्ली है। एक लंबे वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के दावे भी अब मानो धराशाही होते दिख रहे हैं। आप दिल्ली के प्रदूषण का ठिकड़ा केंद्र की BJP और UP हरियाणा की BJP की सरकारों पर फोड़ रही है, पर पंजाब में पराली जलाए जाने के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है, जबकि कांग्रेस दिल्ली के प्रदूषण पर समतल राजनीति की बात कर रही है। NCR में भी पॉल्यूशन अपना कहर दिन ब दिन बरपाता जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण न मिलने के कारण दिल्ली वाले इस दम घोट हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। देश की राजधानी में भयावह प्रदूषण की वजह से कई जानलेवा बीमारियों ने भी जन्म लिया है। क्षेत्र में अस्थमा जैसी बीमारियों ने इस वक्त जोर पकड़ा है। हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त दिल्ली में रहने वाला हर एक शख्स 24 घंटे में सांस लेने के बहाने अपने अंदर 10 सिगरेटों का धुआं खींच रहा है। काम धंधे की तलाश में दिल्ली आने वाले मजदूर वर्ग ने भी दिल्ली आना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में ही किसी न किसी काम धंधे पर आश्रित हैं। उनके बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। वक्त है कि सरकारों को नींद से जगाना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों के बारे में कुछ सकारात्मक सोचना चाहिए, वरना प्रकृति का प्रकोप सबको ले डूबेगा, राजनीति धरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सुटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।